प्यारे किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। मैं आज आप सभी को जैविक बीज उपचार के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से जैविक खाद सोयाबीन के लिए अधिक उपयोगी हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राइजोबियम जो है, जो नाइट्रोजन के लिए महत्वपूर्ण है, राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र बहुत ही पॉपुलर है सोयाबीन के लिए। ये जैविक खाद आप देखेंगे, ये सोयाबीन राइजोबिया है, तो ये ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप स्थानीय बाजार से खरीद रहे हैं कि सोयाबीन का राइजोबिया होना चाहिए, किसी अन्य क्रॉप का नहीं हो, अन्य फसल का नहीं हो। तो क्योंकि अन्य फसल का राइजोबिया वो सोयाबीन में गांठ नहीं बनाएगा, तो इनमें ये खूबी होती है इन राइजोबिया में कि ये गांठ बनाते हैं, और गांठ अगर अच्छी बनती है जैविक खाद से तो आप जब 30-35 दिन की फसल हो जाती है सोयाबीन की, तो उसको आप अंगूठे और उंगली के बीच में प्रेस करेंगे तो गुलाबी रंग का एक निकलता है, उसको लैग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये दर्शाता है कि आपने जैविक खाद डाली है और उसमें नाइट्रोजन की उसमें पूर्ति हो रही है, तो ये बड़ा इसके लिए अधिक उपयोगी है। लगभग 15-20% तक अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है सोयाबीन से अगर आप ये राइजोबियम यूज करते हैं। तो दूसरा बायो फर्टिलाइजर है फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसको PSB के नाम से बहुत मशहूर है। ये PSB फॉस्फेट घोलक जीवाणु हैं, इनका अधिक उपयोग यहाँ पर इसलिए अधिक उपयोगी है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें फॉस्फोरस जो है परंतु वो फिक्स हो जाता है, अवेलेबल नहीं हो पाता, पौधे प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये क्या करता है बैक्टीरिया, जैविक खाद उसको घोल करके पौधे को देता है, और ये जितने भी जीवाणु हैं जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं ये चारकोल पाउडर में है, ये चारकोल पाउडर बेस है। लिक्विड फॉर्मुलेशन भी आ रहा है, हमारे पास इस संस्थान में लिक्विड फॉर्मुलेशन अभी उपलब्ध नहीं है परंतु मार्केट में है, वो भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो बताना चाहूँगा जो आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइकोराइजा, जिसके कई अन्य नाम से स्थानीय बाजार में उपलब्ध है। ये माइकोराइजा एक तरह का फंगस है, और इस फंगस का क्या है कि फॉस्फेट जो फॉस्फोरस है उसको मोबिलाइज करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि जैसे पौधा आपने बीज डाला और उसका जड़ निकली और ये माइकोराइजा यहाँ पर है, तो माइकोराइजा अपना आप रूट के साथ, जड़ के साथ कनेक्ट होकर और फॉस्फोरस, पानी और अन्य तत्व जैसे जिंक है, ये सप्लाई पौधे को देता है और पौधा अच्छा हेल्दी होता है और इम्यून सिस्टम पौधे का स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए ये जो माइकोराइजा है बहुत महत्वपूर्ण है, मार्केट में कई सारे रूप में अवेलेबल है, ग्रेनुल्स हैं, तो ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन जैसे ये है आप सीड ड्रिल में डाल के कर सकते हैं बुआई के टाइम। जैसे अब बीज उपचार की बात आती है, जैसे ये आपका बीज है और इसको आप बीज उपचार करने के लिए आप इसमें जो मैंने बताया जैविक खाद, चाहे PSP हो, राइजोबियम हो, इसको आप इस तरह आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, बिंदु हैं। पहला तो ये है कि बहुत अधिक समय पहले ना करें, 1 घंटे से पहले नहीं होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर ही आप बीज उपचार करें। अगर ज़्यादा टाइम पहले करेंगे तो बीज में नमी रह जाएगी, बीज खराब हो जाएगा। 1 घंटे पहले करें, छाया में करें, और सबसे बाद में करें पहले फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और फिर आपका ये माइक्रोब जो PSP है राइजोबियम में, इनकी मात्रा 10 से 12 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो। अगर ज़्यादा होगा तो परत मोटी चढ़ जाएगी तो उसमें अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 15 से 20 ग्राम प्रति KG सीड की मात्रा काफ़ी है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति क्विंटल सीड, ये जैविक खाद काफ़ी है। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि गुड़ का उपयोग ना करें, क्योंकि गुड़ से अगर चिपकाने का काम आप करेंगे, जैसे जैविक खाद और बीज के साथ गुड़ डालेंगे तो उसमें चिपक तो जाएगा, पर पतली परत चढ़ेगी, परंतु क्या है कि उसमें टर्माइट की आशंका बन जाती है, इसलिए गुड़ का प्रयोग बिल्कुल ना करें और आप सिर्फ पानी से ही इसको करें। राम राम, धन्यवाद।